सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेक्रमार्ट किचन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाए जा रहे हैं मैक्रम फिश की हैंगर। तो देखिए, इसे बनाने के लिए जो है हमको चाहिए येलो कलर की कोट, रेड कलर की कोट और साथ में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1 की रिंग, 1 इंच की एंड 1 ब्लैक कलर के बीट्स को आइस के लिए भी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम 1 मीटर की येलो कलर की कोड लेंगे। 1 मीटर की येलो कलर की कोड हमने यहाँ पर ली है। अब हम इसके बाद जो है इसमें एक्स्ट्रा की कोड्स को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 5 येलो एंड 2 रेड कलर की जो कोड है उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और इन सभी कोड की साइज़ रहेंगे 1 मीटर। तो हमको यहाँ हम जो है 5 पीले कलर की कोड और 2 रेड कलर की कोड को अटैच करेंगे। सभी की जो साइज़ रहेंगी वो रहेंगी 1 मीटर। तो देखिए, हमने जो इस सिक्वेंस अटैच करा है, ऊपर जो है 3 येलो कलर की कोड हमने अटैच करी है, देखिए 1 2 3, फिर उसके बाद सेंटर में 2 रेड कलर की कोड और फिर उसके बाद 2 येलो कलर की कोड। तो ये सिक्वेंस से जो है हमने कोड को इसमें अटैच करा है, जिसमें ऊपर हमने 3 येलो कलर की कोड, फिर उसके बाद हमने 2 रेड कलर की जो कोड है वो अटैच करी, फिर उसके बाद जो है 2 येलो कलर की कोड को हमने फिर अटैच करा है। तो ऐसा सीक्वेंस हमने कोड को यहाँ पर अटैच करा है। अब हम इसके बाद जो है पाइपिंग को बनाएंगे और ये जो पाइपिंग है इसे बनाने के लिए जो ऊपर वाली कोड है उसे हम नीचे की तरफ इसे रख देंगे और फिर इसके बाद जो है नीचे से कोड को लेते जाएंगे और ऊपर रखी कोड के ऊपर से 2 टाइम्स से निकालेंगे। तो देखिए, फर्स्ट टाइम, फिर ये सेकेंड टाइम, तो ऐसे 2 टाइम्स हम निकालेंगे तब जाकर जो है ये पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। तो नीचे वाली कोट को ऊपर वाली कोट के ऊपर से 2 बार निकालना है हमको, तब जाकर जो है ये पाइपिंग इससे बन पाएंगी। अब इसके बाद जस्ट हम ऐसे ही कंटिन्यूसली पाइपिंग को बनाते जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ ये पाइपिंग हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए, लास्ट एंड में जो 3 कोड ही आप देख सकते हैं बची है, तो वहाँ तक ऐसे हमको पाइपिंग इसमें बनाना है कंटिन्यूसली। तो लास्ट एंड में आप देख सकते हैं 1 रेड कलर की एंड 2 येलो कलर की कोड बची है, तो बस वैसे ही पाइपिंग जो है अब हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी ऐसे ही बना देंगे।
अब देखिए, अब जो ये रेड कलर की कोड आप देख सकते हैं कॉर्नर साइड में, अब ये जो रेड कलर की कोड है इससे हम लेंगे और इस कलर की कोड की पाइपिंग हम इसमें बनाएंगे। तो देखिए, जिस भी कलर की कोड की पाइपिंग हमको चाहिए रहती है उस कलर की कोड को हमेशा नीचे रखा जाता है, इसलिए अभी हमको रेड कलर की कोड की पाइपिंग चाहिए। तो हम रेड कलर की जो कोड है इससे हम ऐसे नीचे रखेंगे येलो कलर की कोड के नीचे, फिर येलो कलर की कोड के ऊपर से देखिए फर्स्ट टाइम, और फिर यही कोड को हमने निकाला सेकेंड टाइम। तो ऐसे जो है टू टाइप्स हम निकालेंगे, तो तब जाकर ये जो है रेड कलर की कोड की पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। तो अभी देखिए, हमने फोर कोड तक जो है ये रेड कलर की कोड की पाइपिंग कर दी। अब आगे की जो फोर कोड बची है उसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड की एक कॉर्नर की ये जो रेड कलर की कोड है इसे ही हम यूज़ करेंगे इन फोर येलो कलर की कोड में रेड कलर की कोड की पाइपिंग के लिए। अब देखिए, रेड कलर की कोट की पाइपिंग बन जाने के बाद अब हम येलो कलर की कोट की पाइपिंग जो है वो बना लेंगे। तो बस हमको जो ये पाइपिंग है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये पाइपिंग को ले जाना है। तो देखिए, हम थ्री कोट तक ही ये पाइपिंग की जो नोड है उसको बनाएंगे और जो बाकी की लेफ्ट हैंड साइड की जो कोड है बची हुई वहाँ पर भी ऐसे ही थ्री कोड और एक जो फोर्थ वाली कोड है जिसे हम घुमाते जाएंगे वो फोर्थ फोर कोड मिलाकर ये पाइपिंग की नोड हमें इसे बना देंगे। तो ये जो पाइपिंग है आप देख सकते हैं कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इसे सेंटर की तरफ हम ले जा रहे हैं। अब देखिए, एक लाइन जो है बना दी हमने येलो कलर की कोट की पाइपिंग की रेड कलर की कोट की पाइपिंग के नीचे, और अब हम फिर से सेम वैसे ही पाइपिंग को दोबारा बना देंगे और ऐसा जो है हम दोनों ही साइड की तरफ से ये पाइपिंग को बनाएंगे। और आप देख सकते हैं सेंटर की तरफ हम दोनों ही साइड से पाइपिंग को ले जा रहे हैं। अब देखिए, दोनों ही साइड को आपस में हम जॉइन कर देंगे। तो लास्ट एंड में ये सिर्फ और सिर्फ एक कोड की ही पाइपिंग के नोड ऐसे बनेंगी, और फिर लास्ट एंड में दोनों ही साइड को जॉइन करने के लिए इनकी जो कॉर्नर की ये जो सॉरी नीचे की जो ये एक एक कोड बची है आप देख सकते हैं, नीचे की सिर्फ लास्ट एंड में दो कोड ही बची है, एक लेफ्ट की एक राइट की, तो ऐसे बचेंगी। और अब हम इसके बाद जो है इसमें रेड कलर की जो कोड है उसे अटैच कर देंगे कॉर्नर साइड में, और इसे अटैच करने के बाद फिर इसके कोड को दूसरी साइड वाली जो एक कोड है वहाँ पर भी इसे अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो साइड है इसकी आपस में जॉइन हो चुकी है ये रेड कलर की कोड की वजह से। तो एक स्मॉल साइज़ की हम रेड कलर की कोड ले लेंगे और इसे पाइपिंग बना कर इसे जॉइन कर लेंगे। अब हम इसके बाद जो है 50 सेंटीमीटर की येलो कलर की कोट को भी इसमें फिर से वैसे ही अटैच करेंगे और फिर इसकी पाइपिंग भी आगे वाली जो एक कोड है वहाँ तक ले जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि रेड कलर की और येलो कलर की कोट को हमने यहाँ पर अटैच करा है। और अब देखिए, अब जो ये रेड कलर की कोड है ऊपर उसको भी हम इस पाइपिंग में इंक्लूड कर देंगे। तो जो रेड कलर की कोड है ऊपर वाली उसे नीचे की तरफ करके येलो कलर की कोट की पाइपिंग हम करेंगे, इसलिए येलो कलर की कोट को रेड कलर की कोट के नीचे रखकर उससे हम टू टाइम्स इसे निकालेंगे। देखिए, अब जो है इसके बाद फिर से हम यहाँ पर
एक और स्मॉल साइज़ की, इसकी जो साइज़ है वो आप मन से इसे देख सकते हैं, एक स्मॉल साइज़ की हमको कोड लेना है। तो ऐसे रख कर फिर से हमने दोबारा एक और येलो कलर की एक्स्ट्रा की कोड ली है, और फिर इसे हम यहाँ पर ऐसे आगे की तरफ बढ़ा रहे, और फिर इसकी पाइपिंग भी हम ऐसे आगे कर लेंगे। तो देखिए अभी जो है ये वेस्ट मैक्रम ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक स्मॉल साइज़ के 50 सेंटीमीटर की ही सभी कोड, एक्स्ट्रा के अभी जो नीचे की जितनी भी यूज़ करी वो इनकी साइज़ 50 सेंटीमीटर की ही लगभग हमने जो है यहाँ पर कोड यूज़ करी है। और फिर से हम एक और रेड कलर की स्मॉल साइज़ के 50 सेंटीमीटर की रेड कलर की कोड को यहाँ पर अटैच ऐसा कर देंगे। अब इसकी ही पाइपिंग जो है आगे की तरफ हम और ऐसे ही बढ़ा लेंगे। और देखिए जो ऊपर की ये जो येलो कलर की कोड बची इसे भी हम नीचे की तरफ पाइपिंग में इंक्लूड कर देंगे, ताकि नीचे की तरफ जो है इसकी कोड ऐसी आ जाए। तो उसे करने के लिए बस ऐसे पाइपिंग की नोड हमको बनाना है यहाँ पर। अब देखिए अब हम इसके कोट को कट कर देंगे, और कट करने के बाद इन्हें हम लाइटर की हेल्प से अच्छी तरीके से पीछे की तरफ स्टिक यहाँ पर कर देंगे। और देखिए सभी कोड को स्टिक कर देने के बाद अब जो है हम की हैंगर रिंग को ऐसे जो सामने वाला जो पार्ट रहेगा ये फिश का, वहाँ पर इसे हम अटैच कर देंगे। और फिर इसके बाद की को हैंग करने के लिए जो है यहाँ पर आप आगे की तरफ जो ये की हैंगर रिंग हमने यूज़ करी वहाँ पर इसे रिंग को हैंग कर सकते हैं। अब हम इसके बाद जो एक ब्लैक कलर के बीट्स को भी इसमें अटैच करेंगे। उसे अटैच करने के लिए एक स्मॉल साइज़ के, बहुत ही स्मॉल साइज़ के हमको जो है ब्लैक कलर की कोट को लेना है, और उसमें एक बीट्स को, मटका बीट्स को रख कर फिर उसके बाद उसे ऐसे जो गेप है वो दोनों ही साइड से जो है गेप में से कोट को निकालना है, दोनों ही कोट को। और निकालने के बाद फिर इसको हम कट कर देंगे, कभी बड़ी कोट है और या फिर ऐसे लाइट के सबसे अच्छी तरीके से टाइटली से हम वो स्टिक कर देना है, या फिर आप पीछे एक नोट बनाकर भी इसे स्टिक कर सकते। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है ये मैक्रम की जो फिश है इसको ऐसे बना लिया, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे बनाया है। और जो वेस्ट मैक्रम है उसी की हेल्प से जो है हमने ये मैक्रम के फिश को बनाया। तो कभी आपके पास भी ऐसे ही वेस्ट मैक्रम हो तो आप उसे इस तरीके से एक ब्यूटीफुल से कलरफुल फिश बनाने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये जो फिश है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है हमने। तो कभी आप अभी मैक्रम बनाना सीख भी रहे होंगे, बेसिक मैक्रम सीख रहे होंगे, तो भी आप इसे ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि पाइपिंग ही हमने इसमें बनाई है। और साथ में बहुत ही ईजी वे में, कम टाइम में, कम मैक्रम में, वेस्ट मैक्रम में आप इसे ईजिली बना सकते हैं। तो इसे आप जो ट्राई करिए उसे जरूर बनाइए। और ऐसा नहीं है कि इसे ये दो कलर ही यूज़ करके आप बना सकते, आप चाहे तो ऐसे मल्टी कलर के जो भी वेस्ट मेकअप के जो भी कोड होंगे आपके पास उसे भी आप यूज़ करके इसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने दूसरी जो फिश है वो बनाई थी, बहुत ही वेस्ट मेकअप, जो भी छोटे छोटे वेस्ट मेकअप रखे थे हमारे पास, तो उसके हेल्प से हमने सेकेंड वाली फिश जो आप देख सकते कलरफुल वो हमने बनाई यहाँ पर। तो इस तरीके से आप, आपके पास कभी दो कलर ना होकर बहुत सारे कलर भी होंगे मेकअप के, तो भी आप उसे इस तरीके से जो है बना सकते हैं। और ये बनने के बाद देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, एकदम कलरफुल लग रही है सेकेंड वाली फिश भी। तो
तो देखिए इस तरीके से जरूर बनाइए, और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और साथ में हमारे चैनल विक्रम आर्ट क्वेश्चन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।